नमस्कार, एक भारत श्रेष्ठ भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं संगीता कुमारी आप लोगों को एक भारत श्रेष्ठ भारत में महाराष्ट्र के पोशाक के बारे में एक बालिका के माध्यम से जानकारी देने वाली हूँ। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है महाराष्ट्र का पहनावा। सबसे पहले तो हम महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। शिवाजी की कर्म भूमि और मराठों की जन्म भूमि है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भारत का सबसे खूबसूरत और महत्वपूर्ण राज्य में से एक है। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 ईस्वी को हुआ था। अवधि के लिहाज से यह दूसरा और क्षेत्रफल के लिहाज से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। अब हम यहाँ के पहनावों के बारे में जानते हैं। यहाँ के पुरुष धोती को अपनी सांस्कृतिक विरासत के रूप में लेते हैं, जिसे वे शर्ट या कुर्ते के साथ पहनते हैं और सर पे साथ में पगड़ी भी पहनते हैं। और उत्सव के दौरान विशेष रूप से वह सुरवर या अचकन का प्रयोग करते हैं। अब हम यहाँ की महिलाओं के पोशाक के बारे में जानते हैं। यहाँ की महिलाएं विशेष रूप से दो प्रकार की साड़ियों का प्रयोग करती हैं। वह पठानी साड़ी और नौवारी साड़ी, दोनों साड़ियों को अपनी पारंपरिक पोशाक के रूप में मानती हैं। नौवारी साड़ियाँ वह होती हैं जो 9 गज की होती हैं। वह बिल्कुल धोती से मिलती जुलती है। धोती से मिलती जुलती का मतलब यह है कि जब वो नौवारी साड़ियों को पहनती हैं तो वो जिस तरह से धोती पहना जाता है उस तरह से मिलता जुलता होता है, जो कि 9 गज का होता है। अब है दूसरा पैठानी साड़ियाँ। पैठानी साड़ियाँ महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के नाम पे पैठान के नाम पे स्थित है। जो पठानी साड़ियाँ 18 से 25 इंच तक लंबी होती हैं और इस साड़ी की सबसे खास बात यह है कि यह सोने और चांदी के धागों से बनी होती है। और यहाँ की दुल्हन विशेष रूप से पठानी साड़ियों का प्रयोग करती है। यह साड़ी ही विशेष रूप से दुल्हन के लिए बनाया गया है।